दुल्हन ने लौटाई बिना फेरे की बारात। दहेज लोभियों और समाज में फैली करीतियों के खिलाफ दतिया की बेटी का साहसिक कदम, समाज के लिए बनी मिसाल। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक मिसाल आज दतिया शहर की बेटी बनी, जिसने अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर दूल्हे और उसके परिवार के दहेज लोभियों पर जोरदार तमाचा मारा है। दहेज और अन्य मांगों के चलते भरे मंडप में अधूरे फेरों में उठकर शादी से कर दिया इनकार। दतिया के बड़ा बाजार स्थित द्वारका प्रसाद अग्रवाल की बेटी शिवांगी की शादी ग्वालियर के फालका बाजार निवासी सुरेश अग्रवाल के बेटे प्रतीक के साथ 15 फरवरी 2019 को तय हुई थी। जब शादी की सभी रस्में चल रही थी, तभी शिवांगी ने शादी से इनकार कर दिया। उसी समय पिताजी और बेटी के बीच में ये निर्णय लिया गया कि शादी तोड़ने में ही परिवार की भलाई है। बेटी क्लब की अध्यक्ष आकांक्षा रावत ने शिवांगी और उसके पिताजी ने दहेज जैसी सामाजिक बुराई से लड़कर समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। तो लेकिन शादी होती तो उससे पहले ही मेरा मतलब उनके लालची लोगों की वजह से मेरा संबंध टूटा। मैंने मतलब टूटा नहीं, मैंने खुद ही तोड़ा, क्योंकि वो लड़के वाले इतने लालची थे कि मुझे ये संबंध करने से अच्छा था कि मैं घर पर रहूं, वो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है। उनका पहले मुझे कुछ भी नहीं था, फ़ोन पर बातों में भी ऐसा कुछ नहीं लगता था, बस थोड़ा थोड़ा लगता था उनके बातों से, बट मुझे बताना इसलिए मैंने उचित नहीं समझा क्योंकि मुझे लगा कि मेरी पक्की हो गई है, अब बात ख़राब होगी, अब पापा मम्मी को बताने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो मम्मी डायबिटीज़ बीपी के पेशेंट हैं और पापा भी बीपी के पेशेंट हैं, और इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं बताऊँगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए शांत रहो। अब लेकिन जब शादी वाले दिन उन्होंने इतना नाटक दिखाया, इतना ऊधम किया उन्होंने पैसों को लेके, तो मुझे ये बहुत बेकार लगा। पहले मुझे लगा, समझ में नहीं आया, सुबह सगाई थी, शाम को शादी थी, सगाई के टाइम पे मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि क्या क्या हुआ, जब शादी थी शादी में भी पता नहीं चला, जब मंडप के लिए मैं गई तब मुझे सारी बातें पता चली कि वो लोग ऐसे मिल नहीं करवा रहे हैं, ऐसे उनकी मांग है, उनकी वो सैलरी के लिए बोल रहे हैं, अटैची के लिए बोल रहे हैं कि अटैची खुलवाइए आप अपनी अटैची। तो मुझे ये सारी बातें सुन के मेरा मतलब दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, मुझे अंदर से पहले बहुत डर लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं मंडप में बैठ जरूर, ये निर्णय आपने कब लिया कि आप इस शादी से इनकार करते हैं? जब मैं मुझे रात को जब मैं खाना खाने के बाद मंडप पर बैठने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जो प्रोग्राम चल रहे थे उस समय मुझे ये सारी बातें पता चली कि ऐसे ऐसा हुआ, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मैंने सोच लिया था कि इतना कुछ हो गया, तो मैं उस टाइम मेरे दिमाग में जो हलचल चल रही थी, एक तरफ डर लग रहा था कि क्या करूँ, मतलब करूँ नहीं, मतलब मंडप में ज़रूर बैठी थी बट मन मेरा मंडप में नहीं था, मन मेरा बहुत अलग ही घूम रहा था कि क्या करना चाहिए मेरे को, करना है शादी नहीं करना है, क्योंकि लोग इतने थे क्या कहेंगे। बट मैंने इस डर को पूरा हटा के, मैंने कहा दबाव जो भी है मेरा वो पूरा हटा के, मैंने कहा मुझे बोलना है क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर एक बार मेरी शादी, कैसे निर्णय लिया आपने और पापा ने मिलके इतना बड़ा? पापा ने मुझे बताया, पापा बोले क्या हुआ, पापा एकदम रोने लगे, वो मेरी गोदी में गिर गए पापा रोने। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो बोलते हैं कि नहीं बेटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारी ऐसी जगह मैंने शादी कर दी। मैंने कहा आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, मैंने कहा जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब क्या करना है आप मुझे बताओ, क्या क्या बात हो गई। मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे सुना ऊपर कि वो अटैची खोलने के लिए बोल रहे हैं, है ना, वो 2 लाख रुपए की फिर से डिमांड कर रहे हैं। पापा बोले हाँ ये बात सही है, वो ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है रुपए। तो बोलते नहीं हम दे देंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आज वो ये डिमांड कर रहे हैं, कल कुछ करेंगे, परसों कुछ करेंगे, आप क्या देते रहोगे उन्हें। मैंने कहा मुझसे भी ऐसी बात हुई, मुझसे भी कार की बात उन्होंने की, मुझसे सैलरी की बात उन्होंने की। मैंने कहा पापा मैं नहीं करना चाहती, मैं दूसरी जगह कर लूँगी, मैं घर बैठ लूँगी, लेकिन मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। पापा बोलते पक्का है, अगर तुम बताओ तुम्हें तोड़नी है तो तोड़ दो, मुझे पैसों को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो खर्च हुआ वो हो जाएगा, मैं सोच लूँगा मैंने किसी को दान दे दिया, लेकिन तुम अपना बताओ, अगर तुम्हें खुशी है तो मैं कर देता हूँ, मैं लोगों से भी पूछ लेता हूँ, बाकी समाज की मुझे कोई चिंता नहीं है, जो कोई जो कहेगा मैं देख लूँगा। मैंने कहा ठीक है पापा जी आप शादी तोड़ दीजिए बस। फिर शादी तोड़कर क्या वजह हो गई इसकी, आपको ये निर्णय लेना पड़ा? मुझे मेरी बच्ची ने बताया कि वो बहुत लालची है और वो दहेज हमेशा दहेज की मांग दिन भर करती रहे, ले पापा ये दो वो दो, इतना दो ऐसा दो, फिर रात्रि में तो कहने लगे आपने 2 लाख रुपए कम दिए। इस पर भी बहुत काफ़ी बहस हुई, तो मैंने इनसे बात कहा कि मैंने कम दिए और ज़्यादा दिए आप, ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने क्या दिया है।
तो इस पे बात भी नाटक करती रहे करती रहे, तो मेरी मंडप के नीचे मेरी बेटी भी को भी रोना आ गया और मेरे को भी रोना आ गया था। इसके बाद थोड़ा हम नीचे चले जाए, इसके बाद तो मेरी बेटी बोली कि मेरे तो पापा से बात करना है। तो वो मेरे रूम पर आई, बोली पापा बहुत लालची कर रहे हैं, वो आप देते चले जा रहे हो, इससे तो अच्छा चीज़ है कि आगे जाके वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि वो अच्छी तरह से रखेंगे, इससे तो अच्छा चीज़ है आप शादी हैं क्लोज कर दें तो कैसा है। तो मेरे को भी बहुत बुरा लगा कि अब मैं क्या करूं, बहुत इज्जत का सवाल भी है, सबको बेटी भी ऐसे में परात लौटाना। लेकिन फिर बेटी ने कहा, मैंने कहा बेटा देखो अब हम पूछते हैं, हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, चाचा ताऊ भी है, हमारे दामाद साहब थे, तीनों दामाद थे, तीनों समझी थे, हम काम सबसे चर्चा करके, वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जाकर तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं लग रहा अच्छा, तो हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी खुशी रहे, हमारा पैसा चला गया चला जाने दो, कोई हमें इसकी बात नहीं है, हम फिर से तुम्हारी शादी और अच्छी हो जाएगी, लेकिन हम पहले थोड़ी सी बात हम अपने थोड़े अपने परिवार के हिसाब से करना तो ज़रूरी रहता है कि भाई सलाह सबकी। तो मैंने अपने पूरे बड़े भाई साहब को, छोटे भाई को, भतीजे को, हमारे समधी थे तीनों, तीनों बेटियों के दामाद थे, तो सबसे सलाह ली। तो उन्होंने कहा कि पापा जी अगर आप में हिम्मत है और आप चाहते हैं कि हमें कोई बात नहीं है, तो आपका निर्णय हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि ये नाटक तो बहुत कर रहे हैं शुरू से, और इन्होंने आगे जाके और ज़्यादा नाटक किया तो आप परेशान हो जाओगे ऐसे घर में संबंध करके। फिर हमने एक आध दो रिश्तेदारों से भी बात की, तो उन्होंने ग्वालियर के लोकल वालों ने बताया कि ये बहुत ख़राब आदमी है, आप कैसे फंस गए हो इनमें जी। तो मैंने फिर यही बेटी से कहा कि तुमने बिटिया सही कहा तुमने, तो हम आपके तुम्हारे निर्णय के लिए हमें कोई स्वीकार है, हमें कोई बात दिक्कत नहीं है, हम भी यही निर्णय लेते हैं कि हमको शादी नहीं करना, वहीं क्लोज कर दो बस।